बीते 11 साल में पहली बार एनबीएफसी से कर्ज लेने वालों की संख्या में कमी आई है। इसके पहले 2008 में लेहमन ब्रदर्स के संकट और वैश्विक नकदी संकट के चलते ऐसा हुआ था। अब एक दशक से ज्यादा में दोबारा कर्ज डिमांड में कमी के चलते एनबीएफसीज को अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, लेकिन इस बदलाव के दौरान एनबीएफसी पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के कई हिस्सों को मुश्किल पेश आ सकती है। म्यूचुअल फंड मार्केट्स या जो सेकेंडरी मार्केट्स जो इंडस्ट्री में थे वो काफ़ी अच्छे और एफिशिएंट वे में प्ले कर रहे थे, तो किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं कि ये जो क्रेडिट रोटेशन की जो फैसिलिटी है ये अगर रुक गई या म्यूचुअल चेयर जो है वो रुक गया तो क्या होगा, और सब शॉर्ट टर्म बोरो करके लॉन्ग टर्म लेंड कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब सेकेंडरी मार्केट्स ऑपरेशन जो है एक तरह से जब स्टैंड स्टिल को आ गए हैं तो सारे लेंडर्स की पोर्टफोलियो जो है स्ट्रेस में आ गई है, क्योंकि उनको सबसे पहले आगे लोन देने के लिए पैसा नहीं वो जुगाड़ कर रहे हैं, सबसे पहले पीछे के लोन की भरपाई के लिए वो पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। दरअसल एनबीएफसी के साथ ही तमाम कर्ज देने वाली संस्थाओं को बीते साल कई मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रियल एस्टेट मार्केट की खस्ता हालत के चलते कर्ज की मांग में कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही वाहनों की बिक्री में गिरावट से भी ऑटो सेक्टर के कर्ज की डिमांड में कमी आई है। नकदी संकट की वजह से कंज्यूमर लोन की मांग भी दबाव में नहीं है। एनबीएफसी को कर्ज देने के लिए खुद बैंकों से टर्म लोन लेने होते हैं, इसके साथ ही नकदी के लिए पोर्टफोलियो बेचने पड़ते हैं। ये पहले ही ऊंची दर पर मिलता है जिससे कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाती है। पिछले 6 महीने में सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने ALM में रिवर्किंग की है एंड दे हैव स्टार्टेड लुकिंग कि हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिजीक करें। तो जो कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो कि लॉन्ग टर्म लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहे थे या सिर्फ हाउसिंग लोन जैसे पोर्टफोलियो कर रहे थे, उन्होंने शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन की एक 2 से 3 साल की पोर्टफोलियोज या गोल्ड लोन जैसी चीज़ें जो कि 9 महीने की पोर्टफोलियो होती है या 2 व्हीलर की पोर्टफोलियो जो कि मतलब 2 से 3 साल की पोर्टफोलियो होती है या पर्सनल फाइनेंस या पर्सनल लोन की जो पोर्टफोलियो जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, तो इन पोर्टफोलियो को बढ़ावा दिया है। ILNFS संकट के बाद अब NBFC के सामने अपने भरोसे और वजूद को बरकरार रखने का दबाव है। जाहिर है इसके लिए मौजूदा खामियों को दूर करके एक सफल बिजनेस मॉडल का काम अब इन कंपनियों को करना ही होगा।